अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीकली फंडामेंटल के लिए, ठीक है ना, कि फुल वीक के अंदर जो जो न्यूज़ आने वाली है उसको हम डिस्कशन करेंगे। इस वीक जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो NFP, ठीक है, NFP जो की न्यूज़ आने वाली है इस वीक में, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि NFP पे क्या होना है। ठीक है, आज की जो डेट है वो 30 सितंबर है, ठीक है, और ये आज लास्ट डेट है इस मंथ की, और नेक्स्ट फिर अक्टूबर शुरू हो जाएगा, ठीक है, 10वां महीना शुरू हो जाएगा, और उस वो 10वें महीने मेरे को पता है पहले वीक में ही जो बड़ी न्यूज़ है ना NFP वो आती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आज की डेट और आज की फंडामेंटल को, 30 डेट है, ठीक है, आप लोग 30 सितंबर और मंडे का दिन है, मार्केट ओपन हो चुकी है और आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक है फेड चेयर पावल की स्पीक है, ठीक है ना, स्पीच है, वो भी रात 10:30 बजे, तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही, लेकिन मार्केट को टेक्निकली भी मैं बताऊंगा कि टेक्निकली क्या चीज़ है, ठीक है। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये फंडामेंटली है और टेक्निकली की अलग वीडियो होगी, ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊँगा टेक्निकली, दोनों वीडियो आप लोगों ने ज़रूरी देखनी है, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रोज़ भी वीडियो बनेगी रेगुलरली तौर पर, क्योंकि काफ़ी देर होगी, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू बनते हैं वो सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि बीच में फिर मैं वीडियो रोकूँ ना, इसलिए फिर वीडियो अक्सर बनाना रोक देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ही नेगेटिव होता है, यानी कि आप लोग कमेंट नहीं करते, लोग वीडियो भी बहुत कम देखते हैं, देखने वाले जो देखते हैं रेगुलर देखते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है और अर्निंग भी होती है, ये नहीं कि फजूल वीडियो नहीं होती, ये काम की वीडियो होती है और अच्छा खासा आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो डेट आ जाएगी आप लोगों का 1 अक्टूबर, ठीक है, नेक्स्ट जो 10वां महीना है अक्टूबर का, उस डेट को देखेंगे क्या न्यूज़ है उसमें, ये देख रहे हैं न्यूज़ समाल तो बहुत ज़्यादा है। यूरो जो है दो बिग न्यूज़ हैं, ठीक है, देखी जाए तो एक है कोर CPI और एक है CPI फ्लैश, अगर इन दोनों का मुआयना करें देखें तो यूरो जो है कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है अभी पता चल जाता है। देखें यहाँ पे प्रीवियस है 2.8% और फोरकास्ट में 2.7, तो यानी कि वीक हो जाएगा यूरो जो है, और इस पेयर सेकंड में देखें CPI फ्लैश वाले में तो प्रीवियस 2.2 और फोरकास्ट में 1.9, यहाँ पर वीक, तो यूरो जो है वीक होगा तो जैसे ही ये का तो ये पेयर भी डाउन चला जाएगा, अगर डाटा पॉजिटिव तो ये पेयर ऊपर, डाटा नेगेटिव तो ये पेयर नीचे, ठीक है। उसके बाद 7 बजे शाम के दिन, कल की बात कर रहा हूँ, ये आज नहीं कल, जो ये ज़्यादा देर नहीं, आज लास्ट डेट और कल ये कम है, कल ये न्यूज़ आएगी, ठीक है। तो आज ही आप लोग वीडियो देख लें पूरे वीक की और एक चार्ट बना लें, एक कॉपी बना लें, ये जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो साथ अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लिया करें भी ये चांसेस हैं न्यूज़ के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है ना, चीज़ें, या फिर बार बार वीडियो तो नहीं देखते ना, अभी आपने वीडियो देखनी है, ये पूरे वीक की वीडियो है, तो आप कोशिश करें कि आप साथ साथ कॉपी उठा लिया करें और लिख लिया करें, कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी बताता रहूँगा थोड़ा थोड़ा जो भी इम्पैक्ट होगी न्यूज़ की, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें आप लोगों ने ये देखें कि ISM मैनुफैक्चरिंग PMI इसका 47.2% फोरकास्ट में 47.6, यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और जॉब ओपनिंग जो है ये भी देखें, पहले था 7.65 मिलियन और अब है 7.6, यहाँ पर वीक, तो मिक्स ही न्यूज़ है, डॉलर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इस जब ऐसी दो न्यूज़ आती है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वोलेटाइल करती है मार्केट, यानी कि पहले बाय चली जाएगी फिर सेल आ जाएगी, या पहले सेल चली जाएगी फिर बाय चली जाएगी, इस तरह मार्केट के चांसेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे वेडनेसडे की, 2 अक्टूबर आ जाएगी, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ आएगी, इसमें एक ही है एम्प्लॉयमेंट चेंज की, इसमें देखेंगे क्या सीन है, पहले था प्रीवियस 99 के, अब इंक्रीज होते, यानी कि यहाँ पे डॉलर के हक में आएगी, तो गोल्ड के चांसेस हैं कि डाउन, मे बी डाउन। असल में आप लोगों को गोल्ड चलता है टेक्निकली, फंडामेंटल को इतना नहीं फॉलो करता जितना टेक्निकली चलता, मैं पहले ही आप लोगों को कई हज़ार बार कह चुका हूँ कि मार्क जो 70% है वो टेक्निकली वर्क करता है और 30% है फंडामेंटल, ये टेक्निकली है और ये फंडामेंटल है। तो अब देखिए फंडामेंटल भी मार्केट नहीं चलती जो टेक्निकली, क्योंकि पावर टेक्निकल में है तो ये टेक्निकली ही मार्केट जोर लगाती रहती है, फंडामेंटल को इतना नहीं मार्केट कुछ समझती, फंडामेंटल थोड़ी देर के लिए होता है, टेक्निकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट बाय जाती जा रही है, ठीक है ना, टेक्निकल न्यूज़ आ जाएगी वह सेल ले आएगी, ये यहाँ से फिर बाय चलनी पड़ेगी, फिर टेक्निकल फंडामेंटल आएगा फिर सेल ले आएगा फिर टेक्निकली फिर बाय, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो पावर किसकी, टेक्निक फंडामेंटल थोड़ा सा नीचे ले आएगा,
अगर फंडामेंटल भी ऊपर गया तो ये फिर स्पीड मार देगा ऊपर, ये होता है। तो इसलिए टेक्निकली को देखा करें, टेक्निकली बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये 3 डेट को फिर अर्निंग, ये जो वेडनेसडे का दिन होगा 3 अक्टूबर को, ये न्यूज़ आ गई। ये कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की न्यूज़ है। इसमें प्रीवियस देखें 2.18 के है और फोरकास्ट में 2.21, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ेगी। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो डॉलर वीक हो जाएगा, ठीक है। डॉलर वीक होगा तो गोल्ड आपका ऊपर, तो बहुत ही मोहतात रह के आप लोगों ने ट्रेड करनी है यहाँ पे ही। अच्छा, तो साथ ये होगी, उसके बाद एक और भी न्यूज़ है ISM सर्विसेज, इसमें देखिए 51.5, 51.6, यहाँ पे भी डॉलर, यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग और गोल्ड वीक होगा। तो डायरेक्ट आप लोगों के सामने मिक्स ही आ रहे हैं, तो गोल्ड असल चलेगा टेक्निकली, ठीक है ना। बहरहाल ये जनाब फ्राइडे का दिन होगा 4 अक्टूबर, ये NIP की न्यूज़ होगी और इस तरह वीकली क्लोजिंग भी होगी, और जो वीकली क्लोजिंग होगी वो NIP के साथ ही क्लोजिंग होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक के अंदर, जो अभी शुरू हुआ आज मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन बनते हैं, ठीक है, जिसमें 30 अक्टूबर की डेट आती है, 30 सितंबर की आती है, फिर यकम 2, 3, 3 और 4 तारीख ये आ जाएंगी अक्टूबर की, ठीक है ना। तो फ्राइडे का दिन होगा, लास्ट डे होगा, 4 तारीख होगी, ठीक है। तो जो NIP की जो न्यूज़ है ना, इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने तवज्जो करनी है, ये 5:30 बजे डाटा आएगा, ठीक है, NIP का। तो देखें ज़रा इसमें डाटे में अब क्या होने वाला है। पहली जो न्यूज है एवरेज अर्ली अर्निंग, इसमें देखें प्रीवियस जो था 4%, अब जो है 3% डॉलर वीक होगा यहाँ पे। दूसरा नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज देखें कितनी आती है, प्रीवियस 142 के अब 144, यहाँ पर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसी बात है। अब यहाँ पर देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी के रेट देखें, पहले 4.2 अब फिर 4.2, हालांकि 4.2 नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल नहीं आएगा, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा, एक बात डन है, इक्वल मुझे नहीं लगता है। लेकिन बहरहाल अब ये देखें, फिलहाल जो डाटा नज़र आ रहा है, एक आ रहा है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक इक्वल, यानी कि आप लोग यहाँ पे अब कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करेगी। वोलेटाइल होगी मार्केट, मार्केट हो सकता है पहले बाय चली जाए फिर सेल आ जाए, या पहले सेल चली जाए फिर बाय चली जाए, यहाँ पे शक की है, कन्फर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पावर किस में चलेगी? टेक्निकल में। अब वही होगा जो टेक्निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे इस वीक के फंडामेंटल, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझे, कोई बात ना समझे तो कमेंट करके पूछ लें। अब हम अगली वीडियो बनाते हैं टेक्निकली के ऊपर।